खैर भाई साहब, मैं अपने इस अभियान में अब बिल्कुल अंतिम दौर तक पहुंच गया है। आपकी नियुक्ति हुई है, महासभा ने, संरक्षक मंडल ने आपको चुनाव अधिकारी बनाया गया है। बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके अनुभव, चुनाव की प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है, ये सारी बातों पर आज हम चर्चा करते हैं। और समाज का एक प्रश्न है चुनाव को लेकर, कब होंगे आखिर चुनाव, उस पर हम बात करते हैं। चुनाव अधिकारी बनने के बाद आपके साथ जो सहयोगी है, मैं चाहता हूं आप उनका भी परिचय कराएं और छोटा सा एक संक्षिप्त में चुनाव की प्रक्रिया के बारे में आप बताएं। जी, नर्मदे हर सोनी हैं। ये अभी हाईकोर्ट में सेक्रेटरी हैं, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के। मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं ये श्री वाल्मीकि सखरगाय जी हैं, ये गवर्नमेंट एडवोकेट हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। दोनों मेरे छोटे भाई हैं और ये दोनों बड़े अनुभवी हैं। चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जहाँ तक अभी तक जो हुआ है वो कोविड के कारण थोड़ा सा डिले हुआ है। दूसरा कारण ये रहा है कि कुछ जानकारियाँ कलेक्ट करना मैं ज़रूरी समझता था, मेरी टीम उसको ज़रूरी समझती थी। उन जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए पहले इकाइयों का हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें इकाई अध्यक्षों को, जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनको लिया है, जो इकाइयाँ ट्रस्ट के रूप में सम्मिलित हैं या कोई दूसरे सोसाइटीज़ अधिनियम या और कहीं रजिस्टर्ड हैं उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए थी। वो जानकारियाँ इकट्ठी करते करते अब अल्टीमेटली 15th of this month, मतलब 15 जनवरी तक वो जानकारियाँ कंप्लीट करके इकाइयों को हमने ये कहा है कि ये सारी जानकारियाँ दें। उन जानकारियों में मुख्य जो जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ हैं कि ये अपने महासभा से संबंधित है, उससे अटैच्ड है। दूसरा, ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो उसके चुनाव कब तक हुए हैं, कहाँ तक का उनका कार्यकाल है। ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट अलग से उन्होंने इकाई बनाई है और वो इकाई महासभा से संबंधित है या किसी भी हालत में मिलनी चाहिए, ऐसा हमने उनको कहा है। और उसके बाद में 15 जनवरी के बाद में इकाई के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी तय कर देंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि जितनी जल्दी एज सुन एज पॉसिबल चुनाव हम पहले इकाइयों के करा सकें, हम वैसा करा देंगे। आपने एक अभी वर्ड एक यूज किया है, पूर्व इकाई अध्यक्ष, इस किस संदर्भ में पूर्व इकाई अध्यक्ष आपने लिया है, मतलब इसके पहले जो इकाइयां थी उन अध्यक्ष को भी आपने शामिल किया है? पूर्व इकाई अध्यक्ष मतलब ये है कि जो आखिरी तक इकाई अध्यक्ष रहे हैं महासभा के कार्यकाल के पहले तक। अब ये इसमें कॉन्ट्रावर्सी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, कॉमन सेंस है। महासभा के अंडर जितनी इकाइयां हैं, जितनी इकाइयों के चुनाव हो चुके थे, वो इकाई अध्यक्ष अब इकाई अध्यक्ष नहीं रहे हैं। महासभा समाप्त हो गई है, महासभा का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है। संरक्षक गण आ गए हैं जो महासभा को देख रहे हैं। महासभा के अपने अधिकारीगण कोई भी नहीं रहा है, कार्यकारिणी कोई बची नहीं है। तो इस संबंध में जो अभी तक इकाइयों के चुनाव हुए थे वो चुनाव ऑटोमेटिकली स्वमेव ने अपने आप खत्म हो गए हैं। तो उन इकाइयों के अध्यक्षों को जो 16 अक्टूबर 2020 के पहले थे, उनके लिए मैंने पूर्व अध्यक्ष का नहीं, आपने एक साल पहले जिन इकाइयों के अगर चुनाव हुए हैं वो इकाइयां भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई हैं। हाँ, बराबर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इकाइयों में संरक्षक मंडल होता है, क्या इकाइयां संरक्षक मंडल के अधीन चली गई हैं या सारी इकाइयां सेंट्रलाइज चुनाव अधिकारी के अधीन है? और जो अभी जो महासभा का संविधान है इसमें संरक्षक गणों के अधिकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। संरक्षक गण, अगर केवल संरक्षक गण अपन मानते हैं तो संरक्षक गण का जो संधि विच्छेद होता है या उसकी जो परिभाषा होती है, उस परिभाषा के अंतर्गत पूरी महासभा का जो काम है वो संरक्षक गण के अधीन आ गया है। तो जो इकाई है, संरक्षक गण महासभा नहीं है, संरक्षक गण का अधिकार क्षेत्र महासभा के काम को देखते हुए आगे बढ़ता है। तो महासभा चूंकि समाप्त हो गई है, उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, संरक्षक गण आ गए हैं। तो महासभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद संरक्षक गण आए हैं, तो अभी तो महासभा है ही नहीं। पर महासभा के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क
दूसरे जो काम है चुनाव की प्रक्रिया या और भी दूसरे काम जो उनको करना है वो संरक्षक गण के अधीन है। तो महासभा अगर समाप्त हो गई है तो इसके अंतर्गत जितनी इकाइयां हैं वो समाप्त हो गई है। टोटल जिम्मेदारी, टोटल दारोमदारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिसको हम कहेंगे, क्योंकि समाज में जिस तरीके से परिवर्तन की लहर थी पिछले दो कार्यकाल में सुभाष जी ने जो कार्य किए हैं या इसके पहले संविधान निर्माण का जो काम हुआ है उसके अंतर्गत आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी के निर्वहन में आपको महासभा की तरफ से या संरक्षक गण की तरफ से क्या मदद मिल रही है और आप कैसे इकाइयों के चुनाव बड़े ट्रांसपेरेंट करवा पाएंगे? देखिए अभी तक तो किसी से कोई शिकायत नहीं है, काम का चल रहा है, सारे संरक्षक गणों से मेरी बातचीत हो गई है और होती रहती है। जो दूसरे साथी हैं वो भी काफ़ी मदद कर रहे हैं और मेरे जो दोनों भाई हैं ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा सा डिले होगा पर जो कुछ होगा सबके सामने होगा, सबकी सहमति से होगा और सबके विचारों को ध्यान में रखते हुए होगा। आपने संविधान की बात कही, संविधान में जिक्र है संरक्षक गणों के लिए कोई विशेष क्लॉज नहीं है या विशेष पावर नहीं है। संविधान में एक है कि जिस दिन महासभा डिसॉल्व होगी उसके 6 महीनों के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए, नया अधिकार अध्यक्ष जो है आ जाए, तो ये प्रक्रिया लगातार 3 महीने डिले हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि अगले 3 महीनों में समाज को एक नया अध्यक्ष मिलेगा? देखिए ये जो डिले की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, पेंडेमिक एक्ट अगर आता है, महामारी एक्ट, तो उसमें जो पुराने लॉज हैं वो अपने आप उसका कोई एग्जिस्टेंस रहता नहीं है। सुनिए, पेंडेमिक एक्ट की बात कर रहा हूँ। कई लोगों ने ये बोला कि 6 महीने का ये था, फलाना था। आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई, हाई कोर्ट बंद हो गई, अभी तक के इतिहास में कभी हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए लिमिटेशन एक्ट को आगे बढ़ा दिया है, सारे लॉ शिथिल हो गए हैं, तो आप और हमारा कौन सा लॉ है? ये कोई बहुत ज़्यादा डिले और ऐसे कोई बहुत ज़्यादा वैसी बात नहीं है, ये महामारी के कारण है ये सब और बड़ा नॉर्मल है ये। जो आपको काम आज करना है वो आप अगर 6 महीने बात कर रहे हैं तो ये किसके कारण कर रहे हैं? ये पेंडेमिक एक्ट है, ये सुपरसीड कर देता है सारे एक्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। अभी तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वैसी कामकाज चल रहे हैं, फिजिकल हियरिंग हो नहीं रही है, सबको मालूम है, दुनिया चालू हो गई है पर कोर्ट कचहरी अभी चालू नहीं हुए हैं। तो ये पेंडेमिक एक्ट जब तक लागू है तब तक ये शिथिलता जो है, सारे कानून कायदे एक तरफ रहते हैं और पेंडेमिक एक्ट इसको सुपरसीड करता है। संविधान के अनुसार इकाइयों के चुनाव क्या पहले होंगे? इकाइयों के चुनाव पहले ही होंगे, वहां से मतदाता आएंगे, फिर महासभा अध्यक्ष के चुनाव, महिला अध्यक्ष के चुनाव और युवा अध्यक्ष के चुनाव होंगे। ओके, तो समाज जानना चाह रहा है कि जिन इकाइयों का डिसॉल्व हो गई है या जो इकाइयां ट्रस्ट में परिवर्तन थी, जो ट्रस्ट को इकाई की मान्यता दी हुई थी, उन इकाइयों का क्या होगा? देखिए इसमें दो तरह की चीजें हैं, एक तो वो इकाइयां हैं जो महासभा के अंतर्गत है और वो फर्म्स एंड सोसाइटी में रजिस्टर्ड है। अगर वो फर्म्स एंड सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, चूंकि ये भी उसी में रजिस्टर्ड है, तो वो उसके जो चुनाव हो चुके हैं वो चुनाव को वहाँ अलग से चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। ये और इसमें संविधान में इसका उल्लेख भी नहीं है, यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ जो चुनाव हो चुके हैं वहाँ से नाम मंगाए जाएंगे। रही बात ट्रस्ट की, जिसको केवल इकाई के बारे में मान्यता दी है, तो संविधान में इसका उल्लेख है, उसका अध्यक्ष या उसके द्वारा कोई अधिकृत प्रतिनिधि कोई एक आएगा। मतलब वोटिंग पावर कम लोगों को रहेगा और हम जो वोट काउंट कर रहे थे अभी तक वोट और कम हो जाएंगे, क्योंकि संविधान के अनुसार जो इकाइयां महासभा से रजिस्टर्ड है केवल उन्हीं को अगर 4 वोटों का अधिकार है तो बची हुई इकाइयां केवल 1 वोट दे पाएंगी। बची हुई इकाइयां ट्रस्ट यदि है वो फर्म्स एंड सोसाइटी में रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं और रजिस्टर्ड नहीं है, केवल ट्रस्ट है, ट्रस्ट का एक अपना बायलॉज रहता है, महासभा ने उस ट्रस्ट के बारे में अलग से उल्लेख कर रखा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 महासभा में सेक्शन 18 सब क्लॉज 6 इसमें लिखा है, समाज के वे पंजीकृत ट्रस्ट के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जो कि महासभा से संबद्ध है,
तो ट्रस्ट को इन्होंने अलग कर दिया है, अगर वो इकाई के रूप में इन्होंने लिया है और इकाई के अलग से इकाई नहीं है। अब इकाई की जो डेफिनेशन इन्होंने दी है वो डेफिनेशन है, नारमदीय समाज के वे व्यक्ति जो अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महासभा के सदस्य होंगे ये इकाई मतदाता होंगे। अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए, ये सेक्शन 15 में मतदाता सदस्य और इसकी इकाई जैसे बनेगी वो, भाग दो कंडिका 10 में उल्लेखित इकाइयों का नामकरण, नामकरण तक दिया है, नारमदीय ब्राह्मण समाज इकाई का नाम इस प्रकार रहेगा। उदाहरण दिया है, खंडवा जिला इकाई का नाम नारमदीय ब्राह्मण समाज खंडवा इकाई होगा, इससे भिन्न नाम की किसी भी संस्था को इकाई नहीं माना जाएगा। ट्रस्टों के नाम भी इसी आधार पर है, ये कॉन्ट्रावर्सी है इसमें। ट्रस्टों के नाम अगर इस हिसाब से नहीं है और वो उन्होंने उसको इकाई माना है जैसा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, इकाइयों की इन्होंने पूरी ये 36 इकाइयों में इन्होंने सपोज ट्रस्ट भी इसी नाम से अगर रजिस्टर्ड है, इन्होंने इकाई माना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमें इकाई मानना पड़ेगा उसको। पर चूंकि वो ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट के हिसाब से एक आदमी आएगा, चूंकि वो इकाई अलग से नहीं है, ये कॉन्ट्रोवर्सी है, यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर यूज करना पड़ेगा। पर चूंकि इकाई माना है और वो ट्रस्ट है और ट्रस्ट के बारे में इसमें उल्लेख है तो वो ट्रस्ट की डेफिनेशन में आ जाएंगे और एक आदमी आएगा वहां से। नंबर ऑफ वोटिंग पे क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं समझा मैं, कैसे नंबर ऑफ वोटर्स, हम अगर उसको इकाई ही मान ले। नहीं कैसे मान ले, कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो इकाई माने, अगर नहीं उसमें दोनों चीजें हैं ना उसमें। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। दोनों चीजें हैं, उन्होंने कहा इकाई है तो इकाई कैसी होगी, वो नामकरण है, वो नामकरण अगर नहीं है तो वो ट्रस्ट है, और अगर ट्रस्ट है तो उसमें से एक आदमी आएगा। बहुत बढ़िया, समाज का एक सवाल जिसमें हर जनमानस का एक सवाल था जो चाहता था कि जहां ट्रस्ट है वहां इकाइयां सेपरेट हो, मतलब आपने ये एक पहला स्टेप लिया है कि जो ट्रस्ट है वो अलग काम करेंगे और इकाइयां अपना अलग वर्चस्व बनाएंगी। देखिए महासभा कभी घोषणा करती है तो बहुत क्लियर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है वैसे ही हमारी टीम जो है उसी हिसाब से काम करेगी और सबके सामने करेगी, ये सामने रख करके ही करेगी। आपने इकाई माना है उसको, ठीक है, पर इकाई की डेफिनेशन में आ रहा है क्या? वो नहीं आता है। अगर वो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के बारे में आपने उल्लेख किया, एक आदमी आएगा या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि आएगा। तो इन इकाइयां जो डिसॉल्व हो गई, इनकी चुनावी प्रक्रिया में हम लोग कहां तक पहुंचे हैं? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 15 तारीख तक उनसे सारी डिटेल्स मंगा ली है और करीब करीब मेरा ख्याल है सभी से जानकारी आ गई है, तो 15 तारीख के बाद में चुनाव अधिकारी नियुक्त करके एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो इकाइयों के चुनाव कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद में महासभा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष के चुनाव करा देंगे। जैसा आपने बताया कि इकाइयों की पूरी जानकारी आपके पास 15 जनवरी तक रहेगी, तो इकाइयों के चुनाव का बेस क्या रहेगा? क्या हम इकाइयों में आपकी जो टीम है शकरगाय जी और सोहनी जी को साथ में लेकर जो आपने बनाई है ये दोनों कंडक्ट करेंगे, या हर इकाई में अपने क्षेत्र के हिसाब से कोई एक नई समिति का गठन होगा? अभी तक जो हमने सोचा है और जो विचार किया है, हमारी टीम साथ में रहेगी और जितनी इकाइयां हैं उन इकाइयों में चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति के बाद में उनको एक समय सीमा देंगे कि इस पर्टिकुलर तारीख तक आप चुनाव करा दें। चुनाव कराने के बाद में इसको हम लोग भी देखते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उनके छोड़ दिया तो छोड़ दिया, हम लोग भी जाएंगे, हम भी देखेंगे। उसके बाद में चुनाव होने के बाद में उनको 3-4 दिन 5 दिन का समय देंगे जिसमें वो उनके अपने नाम हमको यहाँ दे दें और महासभा अपनी चुनाव के हिसाब से वो पूरी डिटेल दे देगी। इसमें भाग 3 में सेक्शन 18 में पूरा क्लियर है और हम भी उसी हिसाब से करेंगे। अच्छा, संविधान में जो लिखा हुआ है कि हर इकाई के चुनाव के लिए अलग चुनाव अधिकारी का अपने वो करेंगे, घोषणा करेंगे, तो चुनाव अधिकारी के घोषणा करने का क्राइटेरिया क्या रहेगा वहां? नहीं, क्राइटेरिया क्या, आदमी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपका आदमी है, आपने कहा कि इसको कर दो तो उसको कर दो, तो वैसा नहीं होने वाला है। पहले हम बात करेंगे और हमें लगा कि ये आदमी काम करा सकता है और हमारे लायक है या संविधान के लायक है या महासभा के लायक है या समाज के लायक है, तो हम उसको अपॉइंट करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, उसके साथ में रहेंगे, वहाँ चुनाव कराएंगे। अब मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ कि यहाँ किसी भी तरह की
ये लल्लो चप्पो, या आप ये समझो कि ये, हाँ, इसमें की बात नहीं रहने वाली। जो ट्रांसपेरेंसी है वो सबके सामने, सबके साथ और सबकी सहमति से होगी। यहाँ किसी भी बात को ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि ऐसा ही करो ऐसा ही करो, तो वो वैसा नहीं होने वाला है। कोई प्रेशर वेशर नहीं चलेगा, बिल्कुल सच्चा काम संविधान के हिसाब से वैसा ही काम होने वाला है। और मेरे दोनों साथी भी बिल्कुल वैसे ही हैं, जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरे दोनों साथी हैं। संविधान के अनुसार अमिताभ भैया यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकाई में वोटर संख्या निर्धारण वहां की रसीद कटने के ऊपर होगा, एक जो 51 रुपए या 1 से 1 रुपए की जो रसीद कटेगी। क्या उन रिसिप्ट बुक का वितरण वही लोकल इकाई से लेना होगा जिसको चुनाव लड़ना है, वो आपसे प्राप्त करेगा या जो पूर्व अध्यक्ष थे उनसे प्राप्त करेगा? उसका कैसे, एक नया व्यक्ति जिसको चुनाव लड़ना है इकाई का, वो रसीद कैसे लाएगा? उसको तो उसके वोटर बनाने हैं। देखिए, हमको जो अपॉइंट किया है वो मैं आपको क्लियर बताता हूँ। यहाँ मुझे जो लेटर प्राप्त हुआ है, या मेरे साथियों को जो लेटर प्राप्त हुआ है, विनम्रता पूर्वक आपको सूचित किया जाता है कि अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महासभा के आगामी निर्वाचनों को संवैधानिक मर्यादाओं का अक्षरशः पालन करते हुए विधिमान्य एवं पूर्ण निष्पक्षता से संपादित कराने हेतु मैं एवं मेरी कार्यकारिणी आपको संविधान की धारा 20(2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करती है। संपूर्ण नारंदी समाज सचिन सच श्री सुभाष महोदय अध्यक्ष का है। इसमें हमको केवल चुनाव कराना है, चुनाव कराने के अलावा हमारा और कोई काम नहीं है। ये जो रसीद कट्टा देना है, इकाइयों में रसीद कट्टा पहुंचाना है, ये सब संरक्षक गणों का काम है, या फिर वो जो हमारे जो दो साथी हैं जिनको इन्होंने हमारे साथ में अपॉइंट किया है, शर्मा साहब और जोशी साहब। मैंने इनको कहा है कि आपको रसीद कट्टा देना हो तो आप अपने स्तर पे भिजवा दें। इकाई अध्यक्ष को भी कहा है कि अगर आपको रसीद कट्टा लेना है, आपको सदस्य बनाना है, तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, और रसीद कट्टा भेजने का उनका काम है, हमारा नहीं है। मतलब इतने सारे कांटेक्ट्स हैं, व्हाट्सएप कर दें, फ़ोन कर दें, वो आदमी जहाँ मिलेगा जहाँ से आपको दे देगा आप कलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो ऑफिशियल एड्रेस है वो दो जगह का है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वहाँ फ़ोन कर लीजिए जहाँ से मिल जाए। नारदी पारमार्थिक ट्रस्ट का जो महासभा का ऑफिस है वहां से भी ये प्राप्त किए जा सकते हैं। आपके साथ आपके साथी भी हैं, आदरणीय सोहनी जी और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और आप बार एसोसिएशन में सेक्रेटरी के पद को सुशोभित करते हैं पिछले 4-5 वर्षों से। आप पिछले 1.5 वर्षों से? 1.5 वर्षों से। तो आज बड़े पारदर्शी तरीके से इस चुनाव को देख रहा है, बड़ी बारीकी से देख रहा है। आप क्या प्लानिंग लेकर आए हैं कि हम कैसे इसको ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं, क्योंकि इकाइयों के चुनाव ट्रांसपेरेंट रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नर्मदे यार भाई साहब, सबसे पहले बताना चाहूँगा, चुनाव अधिकारी, सहायक चुनाव अधिकारी बनने से पहले मैंने संविधान का अध्ययन किया, और ये बड़े ही स्पष्ट रूप से हम बता देना चाहेंगे कि जो संविधान की मंशा है उस संविधान की मंशा के अनुसार ही हम चुनाव संपन्न कराएंगे। कहीं किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कहीं चुनाव में कोई गड़बड़ी होगी, क्योंकि हमारे आदरणीय अमिताभ भैया बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, और इनके स्वभाव, जैसे आपने कुछ प्रश्न किए हैं, आपने जान ही लिया होगा कि भैया किस स्वभाव के व्यक्ति हैं। हम दोनों भी अमूमन उसी स्वभाव के व्यक्ति हैं। संविधान की धारा 18 बहुत ही स्पष्ट है, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई संदेह हो तो संविधान को ले, संविधान को पढ़े। संविधान को पढ़ने के बाद अगर उनके मन में कोई प्रश्न आते हैं, पंकज सोहनी को फ़ोन लगाए, मैं हमेशा मेरे फ़ोन पर उपलब्ध रहता हूँ। संविधान की मंशा अनुसार उनके जितने भी प्रश्न होंगे कोशिश करूंगा उनका समाधान हो। बहुत बढ़िया, एक अच्छा है कि पंकज जी आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं समाज के लोगों के सवालों का जवाब देने की। आगे की चुनावों की क्या योजना है? आगे की चुनाव की योजना के संबंध में जैसे भाई साहब ने बताया, अमिताभ भैया ने, हमने 15 जनवरी तक का समय दिया है। सारी इकाइयों की जानकारी हमारे भाई वाल्मीकि ने लगभग सारी जानकारियाँ एकत्रित की है। करीब 1 या 2 इकाई हैं जिनकी जानकारी अभी शेष है, वो जैसे ही आ जाती है हम तुरंत ही इकाइयों के चुनाव करवाएंगे। तत्पश्चात महासभा के जो अध्यक्ष के, महिला इकाई के और युवा से अध्यक्ष चुनाव कराना है, वो भी तुरंत
अति शीघ्र और शीघ्र से होने जा रहे हैं। एक भैया अमिताभ भैया ने एक शब्द यूज किया था पेंडेमिक एक्ट, क्या उस एक्ट के अंतर्गत इकाई चुनाव को और आगे बढ़ाया जाएगा? भाई साहब आपका प्रश्न थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं उलझाने वाला है, लेकिन मैं बड़ा ही स्पष्ट कर दूं कि पेंडेमिक एक्ट के तहत जब तक पेंडेमिक जारी है तब तक चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर केवल बढ़ाने की बात करें और तो उसके लिए अभी तो समय निर्धारित ही नहीं है, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम चुनाव अधिकारी, मैं फिर से कहना चाहूँगा, प्रतिबद्ध हैं चुनाव कराने के लिए, चुनाव टालने के लिए नहीं। बहुत बढ़िया पंकज भैया, जैसी बातें आपने कही समाज भी ऐसी बातें देखता है आपकी तरफ इसी नज़र से कि चुनाव जितनी जल्दी हो सके हो। मुख्य चुनाव अधिकारी अमिताभ जी की टीम के दूसरे चेहरे वाल्मीकि शकरगाए नर्मदे हर, एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है, कैसे निभाएंगे? मेरा आपके प्रश्न के उत्तर में सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे वरिष्ठ जो हैं हमारे साथ हैं, हमारे मार्गदर्शक हमारे साथ हैं, और जैसा कि संविधान है हम उसके अनुरूप ही काम करेंगे और पूरी निष्पक्षता से इस चुनाव को पूर्ण करेंगे। सारी इकाइयों के चुनाव हम पूर्ण करेंगे निष्पक्षता के साथ। इकाइयों के डाटा कलेक्शन की जिम्मेदारी आपके पास है, कहाँ तक पहुँची है वो? जैसा कि सह चुनाव अधिकारी श्री पंकज जी सोनी जी ने बताया कि दो इकाइयों से जानकारी आना शेष रह गई है, हालांकि हमने उनको भी संपर्क किया था, किन्हीं कारणों से वो जानकारी नहीं आ पाई है, एक दो दिन में वो जानकारियां भी आ जाएंगी। उसके बाद सारी इकाइयों को विधिवत पत्र मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा भेजे जाएंगे और फिर आगे की प्रक्रिया का पूरी निष्पक्षता के साथ पालन किया जाएगा। यदि किसी को भी किसी भी तरह की समस्या है तो वो संपर्क करके उसका निराकरण करवा सकता है। यदि इकाइयों को लेके कुछ समस्या है कि वो रजिस्टर्ड संस्था है या ट्रस्ट है या किसी भी तरह की कुछ समस्या है तो वो विधिवत पत्र लिख के या किसी भी अन्य माध्यम से हमसे संपर्क करके उसका निराकरण करवा सकता है। बहुत बढ़िया, समाज के बहुत सारे सवालों का जवाब आपसे मिला है। बड़ी अच्छी टीम के साथ अमिताभ भैया आप हैं इस समय, और समाज ऐसी ही टीम चाहता था, देखता भी है आपकी तरफ से। एक प्रश्न है मेरे मन में, क्या इकाइयां जो डिसॉल्व हो गई हैं हमारे महासभा के समान, क्या उन इकाइयों के अध्यक्ष अभी भी कार्याध्यक्ष के रूप में हैं, या इकाइयों में अब कोई अध्यक्ष नहीं है, अब सारी इकाइयां चुनाव अधिकारी या संरक्षक मंडल के अंदर काम कर रही है? फिजिकल तौर पे या प्रिजम्पशन के तौर पे अगर आप देखें तो जनरली ये होता आया है कि जब तक नए चुनाव नहीं होते हैं तब तक जो अध्यक्ष रहता है वो कार्यकारी अध्यक्ष की श्रेणी में आता है। ऐसा कहीं स्पष्ट उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पर जनरल पार्लेंस में अगर अपन बात करें तो जो अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष रहता है वो जब तक नया अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है तब तक वो काम करता रहता है। ये सारी इकाइयाँ जो हैं ये अभी संरक्षक गणों के अंडर में हैं, इकाइयां डिसॉल्व हो गई हैं, पर जो अध्यक्ष उनके हैं, जो कार्यकारी की श्रेणी में आते हैं, आ सकते हैं और आना चाहिए, वो अभी वैसे ही हैं। पर संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है? ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि वेदर दे विल बी देयर और नॉट, पर एक एक जनरल पार्लेंस है। अगर संविधान में युवा अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष को लेकर भी एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है, मनोनयन या चुनाव, तो थोड़ा सा आपसे समाज स्पष्ट चाहता है कि महिलाओं के अध्यक्ष को बनाने के लिए या युवाओं में अध्यक्ष बनाने के लिए वोटिंग होगी या मनोनयन होगा? देखिए, मैं अपने समाज के सभी वरिष्ठ गणों से, मेरे साथियों से, माताओं बहनों से ये निवेदन करता हूँ कि अपने समाज के संविधान को बड़ी गंभीरता पूर्वक हर तरीके से, हर तरह से, हर एंगल से उसको पढ़ लें और उसको समझ लें। हवा में बात करना, आपस में बात करना, ये एक अलग बात है। आप भाषा को उसकी मंशा के अनुसार, संविधान को उसकी आत्मा के अनुसार अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। अभी तक का जो संविधान था उसकी बात मैं कहना नहीं चाहता, जो था अभी जो संविधान है उसमें महिला अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष दोनों के चुनाव उसी दिन होंगे जिस दिन महासभा अध्यक्ष का चुनाव होगा।
ऐसा उल्लेख है। अगर उस दिन हमें समय नहीं मिला, हमारी टीम को समय नहीं मिला या समय ज़्यादा हो गया, तो हम उसके नेक्स्ट डे इसका चुनाव कराएंगे। ये संविधान की धारा 32 जो है, महासभा की महिला संगठन के अध्यक्ष का चुनाव, सेक्शन 32 सब क्लॉज 1, संगठन की महिला अध्यक्ष का चुनाव चुनाव अधिकारी के निर्देशानुसार ठीक उसी दिन होगा जिस दिन महासभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब इसमें कितनी सिंपल बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा बस। आप ये इतने पेज देख के अगर पढ़ना नहीं चाहते तो बात अलग है। ऐसे युवा अध्यक्ष के बारे में लिखा है, इसमें ये भी है, चुनाव के पहले चुनाव अधिकारी समाज के वरिष्ठ जनों से बात करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, चुनाव कोशिश करेंगे कि सर्वसम्मति से हो, चुनाव ना हो होने पाए। अगर सर्वसम्मति से नहीं होता है तो फिर चुनाव होना है। चुनाव अगर हुआ तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, इकाइयों में और महासभा में, दोनों में, बंद कमरे में हाथ उठाने वाली या एक बैलेट पेपर से वोट डालने वाली? देखिए, तीन तरह से चुनाव हो सकते हैं। आप कमरे में बिठा दो, हाथ ऊपर करवा दो, या हाथ नीचे करवा दो। आप दाहिनी तरफ खड़ा करा दो, बाईं तरफ खड़ा करा दो, आप बैलेट पेपर से करा दो, गूगल पे आने लग गए हैं। पर हमारी टीम का ये विचार है कि प्रॉपर वे में, प्रॉपर कैमरे के नियंत्रण में, सबके सामने एक आदमी जाएगा, अपना बैलेट डालेगा, दूसरा आदमी आएगा, अपना बैलेट डालेगा, सबके सामने उसको सील किया जाएगा, सबके प्रतिनिधि बैठेंगे, जितने लोग खड़े हुए हैं उनके प्रतिनिधि बैठेंगे, उनके साथ वाले रहेंगे, हम एक एक को सब बताते जाएंगे कि ये फलाना वोट दिया, ये फलाना वोट दिया, ये फलाना वोट दिया, इसकी गिनती ये है, इसकी गिनती ये है, इसकी गिनती ये है। कैमरे लगे रहेंगे, कोई भी किसी भी तरह का दाया बाया होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। मतलब इकाई चुनाव जिस दिन होगा उसी दिन उसकी गणना भी हो जाएगी और उसी दिन कोशिश तो यही है कि उसी दिन कर दें हम। अब मान लीजिए कि अध्यक्ष के चुनाव में किसी कारणवश डिले होता है, किसी भी कारणवश डिले होता है, समय अगर रात्रि का हो गया, ज़्यादा समय हो गया, और ऐसी परिस्थिति रही कि हम युवा अध्यक्ष का चुनाव उस दिन नहीं करा सकते, महिला अध्यक्ष का चुनाव उस दिन नहीं करा सकते, तो नेक्स्ट डे एकदम से जो उसका अगला दिन है उस दिन उसके चुनाव कराएंगे और उसी दिन उसका तीनों का डिक्लेयर करेंगे। इकाइयों के चुनाव के वोट डलने के बाद सेम डे आप उनकी घोषणा भी करेंगे काउंटिंग करके। बड़ी इकाइयों को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? बड़े शहर इंदौर, भोपाल, खंडवा, जहां मतदाता ज्यादा है, क्या नंबर ऑफ बूथ रहेंगे वोटिंग के लिए? मतदाता ज्यादा रहने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता, इकाई से कौन कौन आने वाला इसका उल्लेख भी है। नहीं, मैं थोड़ा सा मैं स्पष्ट करूं, मैं इकाई चुनाव की बात कर रहा हूं। इकाई चुनाव में मतदाता संख्या ज्यादा रहने की उम्मीद है इस बार? अगर उम्मीद है तो एक समय सीमा निश्चित करेंगे। हाईकोर्ट में 6,500 वकील रहते हैं, 4 घंटे में अपन चुनाव कराते हैं, 4 घंटे में, 6,500 का 4 घंटे में चुनाव कराते हैं। अलग अलग बूथ बना देंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह जाए, 10 बूथ बना देंगे, वहाँ 15 बूथ बना देंगे, हमारे सारे आदमी खड़े रहेंगे, एक एक जगह अपना वोट डालते जाओ, फटाफट निकल लो, एक ही दिन में कराएंगे वो। और समय सीमा निश्चित रहेगी शैलेंद्र भाई, समय सीमा खत्म हुई उसके बाद कोई चुनाव की चर्चा हो रही थी अमिताभ भैया, इकाइयों के चुनाव को लेकर हम आप क्या प्लानिंग लेकर आए हैं? बैलेट पेपर से आपने बोला है कि बैलेट से कराऊंगा, पर बड़े शहर जैसे इंदौर है, भोपाल है, खंडवा को ले सकता हूं, नंबर ऑफ वोटर्स खंडवा में भी मिलेंगे, तो ऐसे शहरों में क्या नंबर ऑफ बूथ रहेंगे या सिंगल बूथ वोटिंग होगी? अभी तक का जो विचार चल रहा था वो सिंगल बूथ का चल रहा था। नंबर ऑफ वोटर्स को देख कर, समझ कर, सोच कर, और उनको किस तरीके से थोड़ी मदद की जा सकती है कि उनको बहुत ज़्यादा दूरी नहीं लगे, नंबर ऑफ बूथ बढ़ा सकते हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है, पर हम विचार करेंगे। अगर नंबर ऑफ बूथ बढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई नंबर ऑफ वोटर्स को देख करके, तो निश्चित तौर पे इस पे विचार किया जाएगा और वो करेंगे। बहुत बढ़िया, आपकी अगर ये पहल होती है नंबर ऑफ बूथ की, तो शायद समाज का ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस समाज से जुड़ने के लिए उत्सुक रहेगा। एक मेरा सवाल है, पहले तक चुनाव में, महासभा के चुनाव में इकाइयों से जो प्रतिनिधि होते थे वो अध्यक्ष द्वारा नॉमिनेट होते थे, वो कोई भी हो सकता था अध्यक्ष, और वर्तमान परिस्थिति में भी क्या वही रहेगा? सेक्शन 18 के हिसाब से
प्रत्येक इकाइयों के निर्वाचित अध्यक्ष एक, कोषाध्यक्ष एक, सचिव एक तथा उसी इकाई की महिला सदस्य एक, इनके अलावा और कोई नहीं आएगा, बस यही लोग आएंगे, इन्हीं के चुनाव होंगे और यही लोग आएंगे। अच्छा, मतलब वहां के लेटर पैड पे इकाई के अध्यक्ष द्वारा जो पदों की घोषणा होगी उस पद के आधार पे ये 4% रहेंगे जिनको आइडेंटिफिकेशन के लिए अपना आईडी लाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो पहचानते नहीं यहाँ बैठे बैठे कि कौन इकाई का कोषाध्यक्ष है, कौन चुना है, चुना तो गया है, पर जिस समय वोटिंग होगा ये अपना आईडी लेके आए, लेटर एड लाए, सामने रखे और वोट देके जाए। बढ़िया भैया, एक अंतिम सा सवाल, आखिर महासभा चुनाव कब तक होंगे? देखिए, कोशिश तो ये है कि मार्च एंड तक, जैसे हम सबने विचार किया था, कोशिश ये है कि मार्च एंड तक महासभा के चुनाव हम कंप्लीट करा दें। पक्का नहीं कह सकता आगे जाके, वो ब्रिटेन के अभी जो नए स्ट्रेन आए हैं, ये जो नया पक्षियों का चल रहा है, आगे मुझे नहीं मालूम, पर हम लोगों की कोशिश ये है कि मार्च एंड तक इसको कंप्लीट करा दें। शताब्दी समारोह कब मनेगा? ये तो संरक्षक गण बता सकते हैं, हमारा काम केवल चुनाव का है वो मैंने आपको बता दिया। शताब्दी समारोह से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो बुलाएंगे, हम जाएंगे, अच्छे से करेंगे। चुनाव के पहले या चुनाव के बाद? दैट आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, वो मेरा लुकआउट नहीं है, हमारा लुकआउट नहीं है वो। समाज को अगर कोई और मैसेज देना चाहें आप? समाज को मेरा यही मैसेज है, जितने मैंने आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कई व्हाट्सएप ग्रुप पे तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, पर मेरी कोई अभी लिमिटेशंस हो गई है तो मैं उसका आंसर नहीं देता हूँ और ना देना उचित समझता हूँ, देना भी नहीं चाहिए। मुझे अपनी समय सीमा और लिमिटेशन, मेरी जो अपनी लिमिटेशंस है उसमें रहना चाहिए और रहूँगा, पर ये जो विचार चलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, मेरा सभी से निवेदन है कि आप गंभीरतापूर्वक अपने संविधान का अध्ययन कर लीजिए और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप खूब बहस कीजिए, खूब विचार कीजिए, कुछ अच्छा उसमें से निकल करके आता है तो हम उसको ग्रहण करेंगे। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ये पूर्णतः ये विश्वास रखिए कि इस बार के जो चुनाव होंगे, वो जो हमारी टीम है वो पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से उसी अनुसार, पूरी तरीके से वैसे ही चुनाव विधि अनुसार किए जाएंगे। हमारे आदरणीय संरक्षक गणों को, हमारे आदरणीय वृद्धजनों को, हमारी आदरणीय माताएं बहनों को और जितने भी मेरे हमारे युवा साथी हैं, उन सभी को साथ में लेके उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसकी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए ये सारे चुनाव सबके सामने, सबकी सहमति से और सभी अनुरूपों से इसी के हिसाब से किए जाएंगे। एक अंतिम सवाल, क्या समाज में चुनाव आवश्यक है? देखिए, चुनाव आवश्यक है कि नहीं है इस बारे में अभी इस स्टेज पे बोलना कठिन है, पर आप अगर चुनाव के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा देखेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि चुनाव नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है। उसमें यह लिखा है कि चुनाव के पहले चुनाव अधिकारी वरिष्ठ गणों के सहयोग से आपसी वातावरण ऐसा निर्मित करेंगे कि सर्वसम्मति से किसी एक का चयन हो सके। चुनाव अधिकारी क्या प्रयासरत हैं? प्रयासरत तो चुनाव के नाम आने के बाद प्रयासरत होंगे कि अध्यक्ष के लिए कौन खड़े हो रहे हैं, कौन कौन खड़े हो रहे हैं, फिर समाज जनों से बात होगी। अभी तो हवा में क्या बताएं, अभी तो केवल चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, इकाइयों के चुनाव हो रहे हैं, फिर महासभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी, फॉर्म भरे जाएंगे, तब मालूम पड़ेगा एक आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, फिर उनसे बात करी जाएगी, महिला अध्यक्ष से बात की जाएगी कितने लोग आ रहे हैं, युवा अध्यक्षों से बात की जाएगी कितने फॉर्म्स आ रहे हैं, वरिष्ठ गणों से बात की जाएगी, सभी से बात करके एक निश्चित उस पे पहुंचेंगे, अगर नहीं पहुंचते तब चुनाव होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आप भी प्रयासरत हैं और समाज भी प्रयासरत है अपने स्तर पर कि चुनाव न हो, किसी व्यक्ति को हम ऐसा दारोमदार दें, जिम्मेदारी दें जो समाज को संगठित रखे, जो क्षेत्रवाद को खत्म करे, और आपकी तरफ
जो पूरा समाज देख रहा है ट्रांसपेरेंट चुनाव का, वो सबकी इच्छाएं पूरी हो, समाज एक नया समाज देखे, एक परिवर्तन देखे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।